Do you want to learn something? So open your Google search engine and type here Blind Activity Work Channel. And don't forget to subscribe this channel. चलिए चीनी भाषा सीखते हैं। Welcome back दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर, आप देख रहे हैं Blind Activity Work Channel। आज के इस सातवें लेक्चर में हम चाइनीज लैंग्वेज के रिलेशन के ऊपर बात करेंगे। हम देखेंगे कि चाइनीज रिलेशंस को कैसे लिखा जाता है वह कैसे बोला जाता है। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सो चाइनीज रिलेशनशिप के अंदर जो हमारा पहला रिलेशन है वो है पापा। इसकी स्पेलिंग सुनिए, बी ए बी ए। बी का अर्थ चाइनीज में पी से लिया जाता है, पी फॉर पैरेट। जब भी हम बी को पढ़ेंगे तो वह बी की साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, वह हमेशा पी यानी पैरेट वाली साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर बी ए बी ए बाबा नहीं बल्कि पापा होगा। चलिए इसका ध्वनि वादन सुनते हैं, पापा पापा पापा। इसका अर्थ होता है फादर यानी पिताजी। अब बात करेंगे चाइनीज रिलेशन नंबर टू जो कि है मामा। इसकी स्पेलिंग है एम ए एम ए। चलिए ध्वनि वादन एक बार फिर से सुनते हैं, मामा मामा मामा। इसका अर्थ होता है मदर अर्थात माताजी। अब हम तीसरे रिलेशन की बात करेंगे जो कि है जी ई जी ई। ओके एक बार फिर सुनिए, जी ई जी ई, और इसको बोलेंगे गे गे। चलिए इसका ध्वनि वादन सुनते हैं, गे 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 गे। इसका अर्थ होता है एल्डर ब्रदर अर्थात बड़ा भाई। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ रिलेशन की। इसकी स्पेलिंग देखिए, स्पेलिंग है डी आई डी आई। ये डी डी नहीं है, चाइनीज लैंग्वेज में डी को तय पढ़ा जाता है, तख्ती वाला तय। ठीक है, तो यहाँ पे डी आई डी आई दीदी नहीं बनेगा बल्कि तीती बनेगा। चलिए इसका चाइनीज भाषा में ध्वनि वादन सुनते हैं, तीती तीती तीती। इसका अर्थ होता है यंगर ब्रदर अर्थात छोटा भाई। अब हम पांचवें रिलेशन की बात करेंगे। पांचवें रिलेशन की स्पेलिंग सुनिए, एक्स आई ओ एन जी टी आई। एक बार फिर सुनिए, एक्स आई ओ एन जी टी आई। इसको चाइनीज में बोलेंगे श्योंगती। चलिए चीनी भाषा में इसका ध्वनि वादन सुनते हैं, श्योंगती श्योंगती श्योंगती। इसका अर्थ होता है ब्रदर अर्थात भाई। अब हमारे सामने रिलेशन नंबर सिक्स है। इसकी स्पेलिंग सुनिए, जे आई ई एम ए आई। यहाँ पर ध्यान दें, जे को च पढ़ा जाएगा, चम्मच वाला च। इसका ध्वनि वादन सुनिए, चे मे चे मे चे मे। इसका अर्थ होता है सिस्टर अर्थात बहन। अब हमारे सामने रिलेशन नंबर सेवन है। इसकी स्पेलिंग सुनिए, जे आई ई जे आई ई। और इसका ध्वनि वादन सुनिए, चे 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 चे। इसका अर्थ होता है एल्डर सिस्टर अर्थात बड़ी बहन। रिलेशन नंबर एट पे चलते हैं। स्पेलिंग सुनिए, एम ए आई मे मे। इसका ध्वनि वादन सुनिए, मे 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 मे। इसका अर्थ होता है यंगर सिस्टर अर्थात छोटी बहन। रिलेशन नंबर नाइन पर है, एस एच यू एस एच यू शुशु। आइए इसका ध्वनि वादन सुनते हैं, शुशु शुशु शुशु। इसका अर्थ होता है अंकल। अब हम रिलेशन नंबर टेन पर हैं। स्पेलिंग सुनिए, ए वाई आई। एक बार फिर सुनिए, ए वाई आई। अब इसका ध्वनि वादन सुनिए, आई
आई आई इसका अर्थ होता है आंटी। अब हम रिलेशन नंबर 11 पर हैं। इसकी स्पेलिंग सुनिए, YEYE। एक बार फिर सुनिए, YEYE। अब इसका ध्वनि वादन सुनिए, ये। इसका अर्थ होता है ग्रैंडफादर, अर्थात दादाजी। अब हम रिलेशन नंबर 12 की बात करेंगे। स्पेलिंग सुनिए इसकी, NAI NAI। एक बार फिर सुनिए, NAI NAI। ध्वनि वादन कुछ इस प्रकार से होगा, नए 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 नए। इसका अर्थ होता है ग्रैंड मदर, अर्थात दादी जी। रिलेशन नंबर 13 की बात करेंगे, ये है FENGYOU। एक बार फिर सुनिए, FENGYOU। ध्वनि वादन सुनिए, फंगियो फंगियो फंगियो। इसका अर्थ होता है फ्रेंड यानी दोस्त। अब हम रिलेशन नंबर 14 पर हैं। इसकी स्पेलिंग सुनिए, TIREN TIREN। इसको बोला जाएगा तीरन। ध्वनि वादन सुनिए, तीरन तीरन तीरन। इसका अर्थ होता है एनिमी, अर्थात दुश्मन। सो चलिए अब हम अपने अंतिम अर्थात फाइनल 15 नंबर रिलेशन पर पहुंच चुके हैं। इसकी स्पेलिंग सुनिए, XIONGTI-JIEMAI। एक बार फिर सुनिए, XIONGTI-JIEMAI। अब इसका ध्वनि वादन सुनिए, श्योंगती चे में श्योंगती चे में श्योंगती चे में। इसका अर्थ होता है शिवलिंग। मुझे उम्मीद है कि शिवलिंग के संदर्भ में आपको ज्ञान होगा, परंतु फिर भी मैं डिफाइन करना चाहता हूँ। शिवलिंग उनको कहते हैं जब हम रिलेशन में अपना जेंडर नहीं डिफाइन कर पाते। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ कि हम चार भाई बहन हैं, यहाँ पर आप लोगों को इतना तो ज्ञात हो जाएगा कि मेरे चार भाई बहन हैं, परंतु यह पता नहीं लग सकेगा कि उनमें से कितने भाई और कितनी बहन हैं। मुझे आशा है कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।